हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा और इस बार आपके लिए लाया हूं राग हंस ध्वनि की एक बहुत पुरानी बहुत पारंपरिक बंदिश। ये बंदिश आप सबने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सुनी होगी, लेकिन इसका अंतरा बहुत कम आपको सुनने को मिला होगा। मैं ये बंदिश आपको पूरा अंतरे के साथ सिखाऊंगा। ये बंदिश है लागी लगन पकी सखी सन। ओरिजिनली राग हंस ध्वनि की ये बंदिश उस्ताद अमान अली खान साहब ने बनाई है, जो कि भिंडी बाजार घराने के हैं। बाद में इसको किसी न किसी अलग अलग तरीके से गाया बजाया गया है। फिल्म परिचय में भी इसका एक गीत आया है इसी ट्यून का, जो कि है जातो से नहीं बोलू कन्हैया। और इसके पहले उस्ताद अमान अली खान साहब ने यह बंदिश लिया है कर्नाटकी म्यूजिक, साउथ इंडियन म्यूजिक में, महागणपते नमो नमो श्री। महागणपते नमो नमो श्री महा, ये पहली लाइन उठा के फिर इसके साथ एक पूरी बंदिश बनाई है उस्ताद अमान अली खान साहब फ्रॉम भिंडी बाजार घराना। और उसी घराने के एक उस्ताद शिव कुमार जी साहब ने इसको बहुत प्रचलित किया और फिर मैं उनके शिष्य और मेरे गुरु पंडित ईश्वर चंद्र पंडित जी से बड़ौड़ा में सीखा हूँ। ये पूरी बंदिश बहुत सीखने जैसी, बहुत अद्भुत है। तो बंदिश के शब्द हैं, लागी लगन पति सखी सन, लागी लगन पति सखी सन। ये पूरी बंदिश इसकी नोटेशन के साथ बांसुरी पर बजाना कैसे सीखते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले राग हंस ध्वनि का एक परिचय थोड़ा देख लेते हैं कि राग हंस ध्वनि में क्या क्या विशेष स्वर आते हैं। राग हंस ध्वनि का एक दोहा या श्लोक कह दीजिए है, मैं आपको पहले ही वो सुना देता हूँ। जब ही बिलावल ठाठ में मध सुर वर्जित किन्ह, जब ही बिलावल ठाठ में मध सुर वर्जित किन्ह, सप वादी संवादी सो हंस ध्वनि करी दिन। तो हंस ध्वनि राग ठाठ बिलावल से उत्पन्न माना जाता है, यानी कि इसके सारे स्वर शुद्ध आएंगे। इसमें म और ध सुर बिल्कुल वर्जित है, यानी कि सारे ग पनीसा और सानी प गरेसा, म और ध वर्जित है, यानी इस राग की जाती हुई ओडव ओडव। इसका वादी स्वर है सा और संवादी है प, लेकिन इस बाबत में बहुत सारे मतभेद माने जाते हैं उत्सादों में। कुछ लोग इसमें वादी और संवादी रे और प को मानते हैं और कुछ लोग इसमें वादी संवादी ग और नी को भी मानते हैं। इसका गाने का समय रात्रि का प्रथम प्रहर है, कुछ लोग इसको रात्रि के दूसरे प्रहर में भी गाने वाला राग मानते हैं। ये उत्तरांग प्रधान राग है। मंद्र में कुछ स्वर इसके अवश्य गाते हैं, लेकिन ये उत्तरांग में ज़्यादा खिलता है। ओरिजिनली ये कर्नाटकी या तो दक्षिणात्य राग माना जाता है। इसमें सिंगार प्रधान रचनाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसका मिलता जुलता राग है राग शंकरा। तो पहले इसका आरोह और अवरोह और पकड़ देख लेते हैं। तो आरोह है सारे ग प नी सानी प गरे, गरे नी प सा। इसकी पकड़ है परी सा गरे, गरे नी प सा नी प गरे, सारे ग प रे गरे नी प सा। अब इसकी बंदिश जो कि तीन ताल में भी है, कुछ लोग इसको अधा ताल में भी गाते हैं, तो हम अधा ताल में अभी गा बजा लेते हैं इसका। और
इसका स्पीड है वो 140 BPM पे हम पहले लेते हैं, और अभी मैं जो गा बजा रहा हूँ वो है स्वर काली पांच यानी ए शार्प, इसको कभी बी फ्लैट भी कहते, तो काली पांच स्वर में हम इसको गाते बजाते हैं। पहले देख लेते हैं पूरी बंदिश, उसके बाद इसकी नोटेशन और एक एक लाइन की समझ में आपको देता हूँ। Oh,
गगन से ध्वनि में बहुत ही बढ़िया सी बंदिश है। लागी लगन पति सखी सन ग प ग रे सा सा प रे रे ग रे सा। लागी लगन पति सखी सन ग प ग रे सा सा प रे रे ग रे सा। लागी लगन पति सखी सन ग प ग रे सा सा प रे रे ग रे सा। ग प ग रे सा सा प रे रे ग रे सा। तो ये दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देख के करिएगा। एक एक शब्द, एक एक चार चार बिट के टुकड़े को देख के करिएगा। परम पगप सुखति पप गे सानी पग पग गे सानी सानी पग गे सानी पप गे सारे पग गप पग पप पप गरे सानी पग पग गरे सानी पप गरे सारे। लागे लगन परम सुखति आनंदन परम पग गप पप गरे सानी पग पग गरे सानी पप गरे सारे ग पग रे सा सा। लागी लगन। तो ये दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देख के करिएगा। एक एक शब्द, एक एक चार चार बिट के टुकड़े को देख के करिएगा। लेकिन जब आप कभी इंस्ट्रूमेंट किसी के सुनते हैं, कभी फ्लूट के या सितार के सरोद के, तो उसमें थोड़ी सी लाइन आपको अलग मिलेगी, वो भी मैं आपको बताई देता हूँ। देखिए गरे ग प ग प सा 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 गरे गरे ग प सा 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 गरे सारे गरे सानी प सा गरे सानी प गरे गरे सारे ग प गरे सा सा प रे रे गरे सा। फिर से गरे ग प सा 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 गरे गरे ग प सा 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 गरे सारे गरे सानी प सा गरे सानी प गरे गरे सारे ग प गरे सा सा प रे रे गरे सारे गरे ग प सा 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 गरे गरे ग प सा 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 गरे सारे गरे सानी प सा गरे सानी प गरे गरे सारे ग प गरे सा सा प रे रे गरे।
song. अब इसका अंतरा देखिए, ये उस्ताद अमान अली खान साहब भिंडी बाजार घराने के हैं, उसका बनाया हुआ है। ये बहुत कम जगह पे आपको देखने को, सीखने को, सुनने को मिलेगा। ये आप अवश्य देखिएगा और करिएगा। आए नए मदन का मन सबन बन, आए नए मदन का मन सबन बन, गग पगरे सानी परे रे गगर सारे, गग पगरे सानी परे रे गगर सारे, गग पगरे सानी परे रे गगर सार, आए नए मदन का मन सबन बन, अंग सुगंधन चंदन माथे तेल कदरे, अंग सुगंधन चंदन माथे तेल कदरे, ग ग ग प प प सा 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 रे ग सा, ग ग ग प प प सा 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 रे ग सा, दृग न नैन अंजन भवन पे, दृगन नैन अंजन भवन पे, पसा गरे रे गरे सा 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 रे ग सा, दृगन नैन अंजन भवन पे, पसा गरे रे गरे सा 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 रे ग सा। पति काज सजन लागी लगन, आमर हो तनित पति गर रे निनि पग पगर सा, गर रे निनि पग पगर सा, सारे ग परि सा गर सा नि प पगर सा, गर रे निनि पग पगर सा, सारे ग पनि सा गर सा नि प पगर सा, आमर हो तनित पति काज सजन लागी लगन, पति सखी सन। लास्ट लाइन, आमर हो तनित पति काज सजन, गर रे निनि पग पगर सा, सारे ग पनि सा गर सा नि प पगर सा, लागी लगन ग पगर सा सा परे रे गर सा। फिर से, गर रे निनि प आमर हो तनित पति ग ग पगर सा, गर रे निनि प ग पगर सा, और फिर तान है काज सजन, सारे ग प नि सा ग रे सा नि प प ग रे सा,
लास्ट में इसकी तिहाई लेके हम खत्म करते हैं। तिहाई में जो पिछला पार्ट है, बीच वाला पार्ट है, उसको ऊपर के साथ से भी ले सकते हैं। देखिए, लागे लगन लागे लगन लागे लगन पति सखे सन। तो ये पूरी बंदिश है राग हंस ध्वनि में, बहुत फेमस है, और इसके साथ साथ जाना पहचाना गीत भी है, आप उसका भी प्रयत्न कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सी बंदिश है, बहुत ही बढ़िया ताने भी आ सकती है इसमें। मुखड़ा रह के आप कुछ तान भी कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक दो तान बता देता हूं। सारे गरे गरे सा नी पनी सारे गरे सा लागे लगन सारे गरे गरे सा नी पनी सारे गरे सा लागे लगन सारे ग पनी सा नी पनी पग पग रे सा लागे लगन पति सखे सन। इस तरह से इसमें आठ आठ मात्रा की कुछ ताने आप जोड़ लीजिए, बहुत ही बढ़िया सी प्रस्तुति आपकी तैयार हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये राघवंस ध्वनि की बंदिश पसंद आई होगी, आप इसे अवश्य तैयार करना, अच्छी लगेगी। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे रागों की अच्छी अच्छी बंदिशें सुनने को, देखने को, समझने को, सीखने को मिलेगी। मैं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।